हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडसेट क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ए न्यू वायरस के बारे में जो कि काफ़ी चर्चे में आ रहा है। कोरोना वायरस के अभी ख़त्म हुआ भी नहीं और एक नया वायरस पैदा हो गया है, हंटा वायरस। लेकिन दोस्तों, ये क्या नया वायरस है या पुराना वायरस है, जानते हैं। इससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल मेडसेट क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। दोस्तों याद रखिए, हंटा वायरस जो होता है, ये हंटा यानी एक रिवर होती है जो कोरिया में उसके नाम से दिया गया है। ये हंटा वायरस एक हंटा वायरस विरिडे फैमिली से आता है। दोस्तों ये चूहों में आता है, जैसे कि आप इमेजेस देख सकते हो, यहाँ रोडेंट्स में आ जाता है, चूहे, माउस, रैट्स जो भी होते हैं। ये जब इन्फेक्टेड होते हैं, इनमें ये ग्रो होता है, वायरसेस या इन्फेक्टेड रैट्स में जब ये ग्रो होता है तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अपने सिक्रीशंस में निकल जाता है, जैसे कि उसके चूहे के यूरिन में, थूक में, सलाइवा जिसे कहा जाता है, या उसके ब्लड में रहता है, या उसके मोशन जो होता है एक्सक्रीटा कहा जाता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब कैसे हमसे कांटेक्ट हो जाएगा, देखिए दोस्तों, कोरोना जो होता है आपको पता है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, सबको पता भी है कि मास्क पहनते हैं, यानी एरोसोल्स यानी जब हवा में, हवा जब होती है, जब कोई छींकता है तो हवा में से होकर आता है। लेकिन हंटा वायरस वैसे नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हंटा वायरस जो होता है चूहों के सिक्रीशन से आ जाता है, जो कि जमा हो जाते हैं, फिर आप टच करोगे, टच करके बिना हाथ धोए आप अगर खाते हो, आपके बॉडी में चले जाता है, तो फिर आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, इन चूहों से दूर रहनी है, या तो ट्रीट करनी है चूहों को, ऐसे चूहों को बाहर रखनी है, किल करना है, कुछ भी कीजिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अच्छे से हाथ धोना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप हाथ आइज पे टच ना करें, आपके कोई सिक्रीशंस पे ना लगें, ओपन वूंड्स ना हो, यहाँ पर भी नहीं हो, ताकि सिक्रीशंस, ताकि उसके साथ, वायरस के साथ कॉन्टैक्ट में ना हो। दो टाइप के होते हैं, एक न्यू हंटा वायरस आ गया है और ओल्ड हंटा वायरस। न्यू हंटा वायरस डिसीज़ जो होता है, ये यूजुअली पल्मोनरी डिसीज़ यानी आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, जो कि जैसे कोरोना करता है। इसीलिए डर लग रहा है लोगों को कि क्या ये कोरोना जैसे डेंजर है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फैलता वैसे नहीं है, इसीलिए हम कंट्रोल जल्दी हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं दोस्तों। लेकिन जब ये आपका जो न्यू ओल्ड हंटा वायरस जो होता है, वो फैलता है, वो अफेक्ट करता है आपके किडनीज़ को। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि मानो कि फीवर होता है, कोल्ड होता है, दिक्कत होती है सांस लेने में, दम आ जाता है, तो फिर हंटा वायरस। और अगर रीनल में अफेक्ट करता है तो आपके किडनी फंक्शंस में अफेक्ट करेगा, अपने आपको फैटीग हो गया यानी आपको सुस्तीपन हो जाएगी, आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जो कि एक नॉर्मल एक्टिविटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे नहीं होंगे, आप सुस्त हो जाओगे, आप डल हो जाओगे, हाई फीवर रहेगी, ये सब हो जाएंगे। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, जैसे कि आपको बुखार होती है तो बुखार की दवाई लेना है, आपको फाइंड आउट करना है रैट्स वगैरह कुछ हो तो किल करनी होती है, रिपोर्ट करना होता है, और घर बैठे आपको एडमिट होनी होती है, क्योंकि आपकी बीपी फॉल होती है तो आपको सब देना पड़ता है, अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर भी लगानी पड़ती है। ये सब काफ़ी सारे ट्रीटमेंट है दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।